हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप। आप लोग को तो पता ही होगा, तो कुछ महीना पहले ही मैंने यूट्यूब पे अपना वीडियो डालना स्टार्ट किया था, तो साथ में नागपुरी भी डाला था। तो कुछ लोगों ने कहा कि स्ट्रमिंग पैटर्न बताइए नागपुरी का, तो मैं आज कोशिश करूँगा। थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, बोलो आप, देख के पता चल जाएगा क्या मुश्किल आती है मुझे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पिलावे पिलावे, ठीक है, तो नॉर्मल है वो, मैं इस तरह बताता हूँ। पहले आप सुन लीजिए, फिर शुरू में मैं बताता हूँ। तो ये था नॉर्मल, ठीक है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ये दोनों फिंगर का इस्तेमाल करता हूँ, ये और ये, ठीक है, बजाने में। और ऊपर के तीन स्ट्रिंग अपना थम से, और नीचे का ये लाइक कोई बेस बनाने के लिए होती है, ये सिंपल जानकारी के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं नागपुरी जो रिदम है वो बजाता कैसे हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये चार बीट, जब ये थर्ड में मारता हूँ तो लूज कर देगा थोड़ा कोर्ड को, जो पकड़े हैं आप वो लूज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। ठीक है भाई, अपना उसी तरह है। तो आप लास्ट में गौर देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि मैंने इस तरह किया है, ठीक है। तो कभी कभी गाना में ऑटोमेटिकली आप देखिएगा दो बार मैं ये बजाता हूँ, और कभी, ठीक है, टाइमिंग एक ही रहेगा क्योंकि जल्दी बार दो बार हो जा रहा है, ठीक है। या फिर एक बार देखिए मैं बजाता हूँ, कभी दो बार ऐसे होगा, कभी एक बार ऐसे होगा, ठीक है। तो लास्ट में कभी कभी दो बार इस तरह बज जाता है, या फिर वो टाइमिंग एक ही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कभी कभी मेरा हो जाता है। तो बस यही है, तो सभी नागपुरी गाना पे इसी तरह मैंने बीट बजाया है। उसे सब अपना अलग अलग बजाते हैं, वो कोई बात नहीं, पर इसी तरह मैं बजाता हूँ, ठीक है। अब कोई भी गाना ले लीजिए, कोई दीवाना पागल, चम चम चल गोरी, सब इसी तरह से, ठीक है, देख सकते हैं आप। मान लीजिए चम चम पायल, ठीक है, चम चम पायल बजे रे गोरी, आले तन दिल किनारे, आले तन दिल किनारे गोरी, आले तन दिल किनारे। तो बीच में आप शुरुआत में या बीच में इफेक्ट डालने के लिए यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग कुछ पकड़ आया होगा कि मैं किस तरह से बजाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाद में आपका चल ही जाएगा मेरे ख्याल से। मैं तो इतना ही कीजिए, ठीक है। और जब ये थर्ड, ये जो मार रहे हैं उसमें अब लूज रहेगा, ठीक है। देखिए लास्ट में कभी कभी दो बार मेरा चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ स्ट्रमिंग पैटर्न का, पर जो इफेक्ट आना है वो दोनों हाथ का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, इसे बस दावा ही हुआ है, इसको कोर्ट को जो पकड़ा ही हुआ है, ठीक है। और मैं बजाता हूँ, देखिए,
तो ये उतना इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इफेक्ट डालने के लिए लूज टाइट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अक्सर ये 3 बीट तक तो टाइट से पकड़ा जाएगा, फिर इस पे लूज हो जाएगा अक्सर हर जगह कहीं पे। जब ये नीचे जाएगा तो लूज हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कुछ जिस तरह मैं बजाता हूँ कुछ पकड़ में आया होगा आपका, या तो फिर आप अपना स्ट्रमिंग पैटर्न से भी बजा सकते हैं, पर वही जो कोड चेंज करने का वो टाइमिंग वो सही रहना चाहिए बस, वो फिर गाना कोई भी अच्छा ही बजेगा, ठीक है। फिर एक जो एक नैना का जो मैंने गाना गाया था वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो भी सेम इसी तरह है, अब देख सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, सेम मैं उसी तरह बजा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी लास्ट में जो मैं ये करता हूँ उसमें ये लास्ट में हो जाता है वो ऑटोमेटिक, मतलब गाना के साथ वो चलना चाहिए। कभी एक बार कीजिए दिया, मतलब 2 बार कीजिए या तो 1 बार कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेसन था, मतलब ट्यूटोरियल टाइप से। तो कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो बताइएगा, ठीक है। ठीक है, रखता हूँ, तो बाय, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।